हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी डमी को वॉश कर रहे हैं और बड़ी रिक्वेस्ट आती है कि मैम कैसे वॉश करती हैं, कैसे तैयार करती हैं आप इन पर जब रफ़ हो जाती है। तो आज आपके साथ हम अपनी वो डमियाँ दिखा रहे हैं जो बिल्कुल अब बिल्कुल ऐसी हो गई हैं कि इनको मैंने ना कॉम करा ना कुछ करा, डायरेक्ट मैं इनको वॉश कर रही हूँ। कैसे वॉश करते हैं तो देखिए, इतनी रफ़ हो रही हैं और मैंने इन पर अभी कोई कॉम वॉम कुछ नहीं करा, बट डायरेक्ट इनको मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ जहाँ मुझे इन्हें वॉश करना है। ये देखें कितनी रफ़ हो रही हैं, इन पे स्टाइलिंग करते हैं तो उसके बाद हम इनको कॉम करेंगे। तो ये तो बस अभी काफ़ी, ये मेरे पास 2 साल पुरानी हैं और बहुत ही इस्तेमाल हो चुकी हैं। अब मैं इन पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो हम इनको घी लगाएंगे। देखिए अच्छे से मैं सारे इनके पहले बाल गीले कर दूँगी, थोड़ा फेस भी धुला देंगे, पुरानी हो गई हैं, अच्छा ख़राब नहीं होंगी। आप इनको जब देखेंगे कि मैं किस तरीके से स्ट्रेटनर करके, देखिए अच्छे से पहले आप इनको गीला कर दें ताकि आपका जो शैम्पू है, ये देखिए कितनी रफ हो रही है। इसको मैं सब तरफ से, आपके साथ सोचा कि बहुत आती हैं कि मैम इनको वॉश कर सकते हैं, देखें मैं वॉश कर रही हूँ। ये देखें मैं एक आम सही लाइव बॉय शैम्पू कितना यूज़ करेंगे हम, अभी तो हम थोड़ा ले लें पहले सब तरफ। हाँ यहाँ देखें शैम्पू अच्छा सा हमने लगा दिया है और इनका फेस भी साथ साथ इसी शैम्पू से हम धुला रहे हैं ताकि ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएं। देखें अब थोड़ा झाग हमारा बन गया है, दोबारा से हम इसमें पानी के साथ थोड़ा झाग बनाएं और इनको रब करेंगे ऐसे। अच्छे से मैं इनको वॉश कर रही हूँ ताकि सारा स्प्रे निकल जाए अच्छे से, सारे कर्ल्स वर्ल्स जितने भी हैं, जहाँ जहाँ मुझे और नीड होगी वहाँ मैं शैम्पू की मदद से इसको। अब जैसे ये नीचे वाला पार्ट है, थोड़ा सा हाथ में ऐसे लिया हमने, थोड़ा सा हमने ऐसे, और यहाँ हम इसको अच्छे से रब करेंगे ताकि सारा स्प्रे निकल जाए। बिल्कुल ओपन करके अंदर की तरफ भी, इस तरह से हम रब करते हैं, कोई डैमेज नहीं होता, कोई ख़राब नहीं होगा आपका हेयर और बड़ी अच्छी सी हो जाएगी। दोबारा से मैं इसको फ्रेश कर रही हूँ, काफ़ी स्टाइलिंग हो चुकी है इन पर और मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से इसको, अब हम इनको धो देंगे अच्छे से, हम इनका हेड धुलवाएंगे, सारा शैम्पू निकालेंगे और इनको अब ड्राई कैसे करेंगे भाई, सिंपली मैं इनको फैन के नीचे रख दूंगी, मैं इन पर ड्रायर नहीं चला रही जब तक मैं अपनी दूसरी डमियां धो लूंगी। सारा शैम्पू निकल जाना चाहिए आपका। अब यहाँ मैं रुक गई थोड़ा सा, मैं कोई सा भी आपके पास ख़राब सा कंडीशनर रखा हुआ है या कोई अगर नहीं भी रखा हुआ, हमने थोड़ा सा ये देखा, मेरे पास एक नॉर्मल मास्क है, मैं सारे बालों में थोड़ा सा ऐसे लगा रही हूँ, नीचे तक लगा देंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे हेयर। अभी जैसे रफ हो रहे हैं, नीचे वाले पार्ट पे मैंने मास्क लिया। इस तरह से हम अपनी डमियों को लॉन्ग लास्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम इन्हें सुलझाएंगे तो ये बड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी।
एक डमी की वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस तरह से मुझे अपनी चार डमियाँ वॉश करनी है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये भी शेयर किया जाए। ये देखिए किस तरह से मिस कॉनियन अपनी डमियाँ दोबारा से तैयार करती हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए। हमारी कराची में अकेडमी है जिसमें हम लोग सिखाते हैं, तो ज़्यादातर ये होता है कि डमियाँ हमारी रफ़ हो जाती हैं, फिर उनको हम वॉश करते हैं ताकि हम अच्छे इजीली आराम से काम कर सकें, और आप लोगों के लिए वीडियोस भी अपलोड करनी होती हैं। अब मैं अच्छे से इसको, यहाँ मेरी सारी डमी अच्छे से वॉश हो रही है। पानी अच्छे से निकाल दें, आप मांस सब निकाल दें, मांस नहीं रहना चाहिए ना, फिर स्ट्रेटनर करते में थोड़ा सा आपको वो चिपक चिपक होगी। देखें आपको सुलझाना भी नहीं पड़ी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब एक एक पॉइंट आपके साथ इसीलिए शेयर की जा रहे हैं ताकि आप जब हमसे डमियां बाय करते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। पहले कैसी थी, बहुत फूली हुई सी थी, अब सॉफ्ट हो गई है। यहाँ पानी मुकम्मल निकल चुका है इसका, और अब मैं मिलती हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट। ओके जी, अब हम इसको फैन के नीचे रखेंगे जब तक ये ड्राई होते हैं। अभी देखें इसमें पानी टपक रहा है, यहाँ से ये सारी गीली हैं, तो अब मैं इस डमी को थोड़ा सा रेस्ट दूंगी ताकि ये फैन में ड्राई हो जाए। और उससे पहले ये अब देखें कितना इसमें, पहले तो ये बहुत उलझ रही थी, अब मैं इसमें कॉम कर रही हूँ। गीले गीले बालों में ही थोड़ा मैं कॉम कर दूंगी ताकि ये ज़रा जब मैं इसको सुलझाऊँ तो मुझे इतना प्रॉब्लम ना हो जब ये ड्राई हो जाएगी। गीले बालों में आपको पता है बाल ज़रा से ऐसे हो जाते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इसमें जितनी भी ये रफ होगी मैं इसको सेट कर दूँगी। थोड़ा मास्क लगा दिया, अगर आपके पास मास्क नहीं भी है तो भी आप इसको ही देखें कितना जब ये वॉश हो रही है तो ये सेट होती चली जा रही है, और ये फॉर्म हो रहा है इसमें वॉश होने से ही काफ़ी सेट हो गई। और अब गीले गीले बालों में हम थोड़ा फॉर्म कर रहे हैं जो बैक कॉमिंग हुई भी थी सारी, बड़े ही आराम से ये सुलझ रहे हैं। इस तरह से मैं सब तरफ इसको कॉम कर दूंगी। पंखे के नीचे एक आध घंटे दो घंटे रख दें, उसके बाद ये काफ़ी ड्राई हो जाती है। मैं अभी ड्रायर नहीं दे रही इसमें, वैसे ही पता है आपको पाकिस्तान में बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, तो बहुत हद तक हमने काम कर लिया है। अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं। जी तो हमने अपनी डमी को ड्राई कर लिया है, ढाई घंटे तीन घंटे लगे इनको ड्राई होने में, तो अब ये इस कंडीशन में आ गई है कि ये फूले फूले बाल बिल्कुल हो रहे हैं। वैसे हमने गीले बालों में इसको कॉम कर लिया था ताकि इसमें, अब हमने कुछ भी नहीं करा, रफ थी उसको शैम्पू करा, देखिए इस यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब हम इसकी सेक्शनिंग करेंगे और एक रिबॉन्डिंग वाले स्ट्रेटनर से हम इसको स्ट्रेट करेंगे। तो कैसे स्ट्रेट करेंगे दिखाते हैं हम आपको। ये देखें मैं इसकी सेक्शनिंग कर रही हूँ और मैंने अपने स्ट्रेटनर को गर्म करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट की सेक्शनिंग कर लेंगे। इस तरह से मैं ऊपर टॉप पर मैं ऐसे करती जाऊंगी नीचे के सारे पार्ट, क्योंकि नीचे स्ट्रेट हम करते नहीं हैं ऊपर के। ये देख इस तरह से मैं मोटे मोटे सेक्शन लेके पहले मैं बड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती हैं। इस तरह से हम अपनी डमियों को रेडी करते हैं। आप आराम से इसमें वॉश कर सकते हैं, कर्ल्स कर सकते हैं। अब हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया है, देखिए ये मेरा स्ट्रेटनर है, 480 टेम्परेचर है इसका, और ये कितना इसमें हाई टेम्परेचर पे वर्क कर रही हूँ। इसको थोड़ा कॉम करेंगे पहले। हम थिन पार्ट भी ले सकते हैं, थिन पार्ट में भी ये जलती नहीं है, अभी रफ ही है। वॉश करने के बाद आपको इस तरह से रिबॉन्डिंग वाले स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन अच्छे से हमारी ये तैयार हो जाती है स्टाइलिंग के लिए।
कॉम करेंगे। इस तरह तो मिस बहुत देर हो जाएगी, लेकिन ये वाली बात होती है आपको एक दफ़ा थोड़ा इसको तैयार करना पड़ता है। मैं इसको बार बार वॉश नहीं करती हूँ, मुझे मतलब 6 महीने लगे इनको वॉश करने में। काफ़ी टाइम से तो मैं यूज़ ही नहीं, मतलब जब यूज़ करती हूँ तो मैं इस पर शाइनर स्प्रे कर देती हूँ डायरेक्ट ही स्ट्रेटनर। मैम देखेंगे तो इस तरह से हो रहा है, तो अब हम जब इस तरह से कर लेते हैं थोड़ा सुलझाएंगे, सुलझा सुलझा के थोड़ा थोड़ा जो पार्ट होते चले जाते हैं। ये मेरी काफ़ी पुरानी है, समझे, ये मेरी पहली डमी थी जो 2 साल पहले 2.5 साल पहले मैंने ली थी। इसकी लेंथ भी कम है, थोड़ा स्लोली स्लोली देखें। हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, इसमें क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी बाद में, नहीं इस पर क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये वाला पार्ट, फिर हम अगले पार्ट पर आएंगे। इस तरह से हम पूरी डमी को स्ट्रेटनर की मदद से अच्छे से इसको स्ट्रेट कर देंगे। आपको इतना काम करना पड़ेगा अपनी डमी पे, जब आपको जब ये रफ हो जाती है तो उसको इस तरीके से हम पार्ट को ले लेके कॉम कर रहे हैं, कॉम करेंगे इसमें, और इसमें फ़र्क आ गया है। पार्ट को थोड़ा पीछे की तरफ कर देंगे आप, जो पार्ट कर लिए हैं आपने, ऐसे छोटे छोटे पार्ट पे काम करेंगे तो बहुत अच्छी से हो जाएगी। आज आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर दी है कि डमी को हम वॉश कैसे करते हैं। ऊपर से ही मैंने बहुत ही थोड़ा स्लोली स्लोली, जैसे हम स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, स्लोली स्लोली आ रही हूँ ऐसे। जब ये इस तरह से हो जाता है देखती हूँ कि कहीं इसमें सारे टैंगल फ्री करके, ये हमारी इस तरह से एक साइड कर लिया। कितना रफ पार्ट था, कॉम करेंगे। आप इसको पंखे के नीचे ही सुखाएं, क्योंकि आप इसको ड्रायर भी करेंगे तो ड्रायर से ख़राब नहीं होगी। मैं हर पार्ट को 2 दफ़ा ज़रूर करती हूँ, कॉम करती हूँ पहले, इस तरह से टैंगल फ्री भी हो जाते हैं पार्ट। यहाँ हमने अपने सारी डमी के बाल थोड़े थोड़े करके सबसे पहले स्ट्रेट कर लिए, और ऑलमोस्ट हमारी डमी जो है वो स्ट्रेट हो चुकी है। बस थोड़ा सा पार्ट रह गए हैं इसके, ये देखें बहुत ही फ्रंट में किस तरीके से, ना ये डमी जल रही है ना इसके बाल जल रहे हैं। कितने हाई टेम्परेचर पे हमने, 480 टेम्परेचर है उस पे हम काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी डमी है। लोग मुझसे इसी के प्राइस पूछ रहे होते हैं, फाइबर मिक्स है लेकिन काम बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिस के लिए नॉट बैड। स्ट्रेटनर से कर्ल्स नहीं होते हैं इस पर, लेकिन कर्लिंग रॉड से इस पर हम कर्ल्स कर लेते हैं। हमारे पास 2 कलर हैं, एक ये कलर इस वक्त है जो हमारे पास पुरानी डमियाँ हैं, और जो नया अभी इस बार हमारा स्टॉक आया है वो थोड़ा गोल्डन कलर का है। यहाँ देखें ऐसे फिंगर बिल्कुल हमारा स्मूथ इसमें जा रहा है, और एकदम बिल्कुल ख़राब डमी जो आपको शुरू में दिखाई थी, कितना खूबसूरत है। अब आप दोबारा से अपनी स्टाइलिंग के लिए इसको रेडी आपने कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी डमी के मुतालिक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।